हेलो एवरीवन, आज हम तुलसी की पौधों की सैर कराएंगे। मेरे पास बहुत सारे ग्रो बैग में तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। देखिए, एक ग्रो बैग है, देखिए एक पॉट में लगा हुआ है, देखिए ये जमीन पे लगा हुआ है, यहाँ पे सीमेंट के फ्लोर में। मैंने अपने सारे तुलसी के पौधों को निकाला नहीं है, इसे ऐसे ही रहने दिया है, क्योंकि इसमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है और बाकी पौधों के लिए भी ये अनुकूल वातावरण क्रिएट करती है। पौधों में जो हानिकारक कीड़े लगते हैं वह इन तुलसी के पौधों की वजह से उसकी मात्रा कम हो जाती है और कीड़े लगने का डर नहीं रहता। देखिए एक बेसिल प्लांट है, और इस तरह के प्लांट्स भी मेरे पास कम से कम 20 प्लांट्स हैं और सारे ग्रो बैग में ही लगे हुए हैं। इसकी जो खुशबू होती है बहुत सुंदर होती है, इसका आयुर्वेदिक में भी बहुत प्रयोग किया जाता है। ये गुड़हल का पौधा है, इस पॉट में भी देखिए इसमें भी एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। इसे मैंने ऐसे ही रहने दिया है, निकाला नहीं है। देखिए ये रोज प्लांट है, और इसके इस कॉर्नर में एक छेद है, उसमें से एक तुलसी का पौधा निकला हुआ है। देखिए एक बड़ा सा पौधा, ये भी ग्रो बैग में ही लगा हुआ है। देखिए एक ब्रह्मा कमल का प्लांट है, इसमें भी एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। देखिए ये एक बेसिल प्लांट है, इसे मैंने एक पेंट के बकेट में लगाया हुआ है। इसे आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे बीज हैं, इसे आप एक पॉट में या ग्रो बैग में निकाल कर अगर इसका स्प्रेड कर दोगे तो बहुत जल्दी पौधे निकल आएंगे। देखिए
देखिए एक अनार का पौधा है, इसे मैंने एक पेंट के बकेट में लगाया था, और यहाँ भी एक तुलसी का पौधा है। अब जहाँ भी तुलसी के पौधों को लगाएंगे वहाँ का वातावरण बहुत शुद्धि से होता है और पॉजिटिव एनर्जी हमको मिलती है। देखिए एक छोटा सा पॉट है, इसमें भी मैंने एक तुलसी का पौधा लगाया हुआ है। इस फूल को शिव जी को अर्पण किया जाता है, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी है। देखिए देखिए इस पॉट में भी कितने सारे तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। और ये मूली के बीज हैं। देखिए यहाँ भी एक तुलसी का पौधा लगा हुआ है। ये अमरूद का पेड़ है और एक हमने एक पेंट के बकेट में लगाया हुआ है। ये हल्दी का पौधा है और इसी में एक तुलसी प्लांट भी लगा हुआ है। देखिए फिर से एक बेसिल का पौधा, देखिए कहाँ पर लगा हुआ है। जो ग्रो बैग का एक छेद होता है पानी जाने के लिए, एक्स्ट्रा वाटर जाने के लिए, ये उसी में से उगकर आया हुआ है। देखिए यहाँ भी एक बड़ा सा तुलसी का पौधा लगा हुआ है। और यहाँ भी एक बेसिल प्लांट है।